याद करो हे योगी बड़े प्यार से, महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से, बन के फरिश्ता उड़ चलो, बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से, महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। सतगुरुवार है, सतगुरुवार के दिन बाबा के महावाक्य, बाबा ने आज बताया कि अभी तक हम सभी उल्टे लटके हुए थे। उल्टा लटकना मतलब देह भान में थे, लेकिन बाबा ने आकर के ही सुलटा किया है, हमें आत्मा का परिचय मिला। इसलिए बाबा कहते कि अब तुम्हें अपने आप को निरंतर आत्माभिमानी हो करके चलना है, क्योंकि हम जब उल्टे हो गए, देह अभिमान में आए, तो सारे कर्म भी उल्टे ही होते गए, खराब होते गए, विकर्म बनते गए, और उसका ही परिणाम हुआ दुख अशांति बढ़ती गई। इसलिए अब सुख शांति चाहिए तो फिर अपने आप को सीधा कर लो। फिर बाबा ने कहा कि अभी यही समय, भगवान थोड़े से समय के लिए ही हमें कितनी ऊंची कथा सुनाते हैं, एक ही कथा में सारी कथाएं समाई हुई हैं। भक्ति में तो अनेक अनेक कथाएं सुनते आए हैं, लेकिन यहाँ बाबा हमें एक ही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और इस पढ़ाई को ही कथा भी कह सकते हैं। क्या है कथाएं? नर से नारायण बनने की कथा है, यही अमर कथा है, यही तीसरी की भी कथा, तीसरा नेत्र खोलने की कथा है। तो अब इसको अच्छे से हमें खुद भी पढ़ना है, औरों को भी पढ़ाओ, तो हर एक को टीचर भी बनना है। लेकिन ये भी बाबा ने कहा, केवल टीचर बनने से ऐसा नहीं आप नर से नारायण लक्ष्मी नारायण बन जाओगे, टीचर बनते हैं औरों को भी आप पढ़ाते हो तो प्रजा बनेगी आपकी, क्योंकि प्रजा की भी साहूकार प्रजा होगी, उसकी भी प्रजा तो होगी। लेकिन नर से नारायण बनने के लिए तो हमको पहले खुद पूरी तरह से वारिस बनना है। जब वारिस खुद बनेंगे, खुद धारणा मूरत बनते हैं, तब हम इतना ऊंच पद पा सकते हैं। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। प्रश्न है, माया के पंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? माया के पंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है?
झूठी दिखावे की इज्जत, अल्पकाल की इज्जत। क्या नाम देंगे उसको? कागविष्ठा तो सुख के लिए कहते हैं, कागविष्ठा समान सुख। हाँ, मायावी इज्जत। और चलो उत्तर है आसुरी इज्जत। कौन सी इज्जत है? आसुरी इज्जत। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते, मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते, कल उसकी बेइज्जती करते हैं, गालियां देते हैं। थोड़ी इज्जत देते और कल उसकी बेइज्जती करते, गालियां देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया है, बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने। बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने। ओम शांति। बाबा कहते हैं रूहानी बाप रूहानी रूहों से पूछते हैं कहाँ बैठे हो, तुम कहेंगे विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में। रूहानी अक्षर तो वो लोग जानते नहीं हैं। विश्वविद्यालय तो दुनिया में अनेक हैं, यह सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय, एक ही पढ़ाने वाला है। क्या पढ़ाते हैं? रूहानी नॉलेज देते। तो यह है स्पिरिचुअल विद्यालय अर्थात रूहानी पाठशाला। स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? रूहानी पाठशाला में कौन पढ़ा रहे हैं? रूहों का बाप। यह भी तुम बच्चे अभी जानते हो कि रूहानी बाप ही रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, इसलिए उनको टीचर भी कहते हैं और स्पिरिचुअल फादर भी कहते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा? यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, रूहानी यूनिवर्सिटी में रूहानी बाप पढ़ाते हैं, फिर क्या होगा इस पढ़ाई को पढ़ के? तो तुम बच्चे जानते हो कि इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। केवल ये हमारे अकेले के लिए पढ़ाई नहीं है ना, लेकिन हम पूरे ही विश्व को नया बनाते हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना भी हो रही है इस पढ़ाई से। एक धर्म की स्थापना, बाकी जो इतने सब धर्म हैं उनका विनाश होगा। इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सभी धर्मों से क्या ताल्लुक है, यह भी तुम अभी जानते हो। इसका भी सब धर्मों से ताल्लुक है। क्या ताल्लुक है? अभी जानते हो। बाबा ने कहा एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से ही होती है, है ना। वो एक नॉलेज, एक धर्म की स्थापना होती है, फिर बाकी के सारे धर्म फिर इसी से निकलते हैं।
यह लक्ष्मी नारायण ही विश्व के मालिक थे ना, उनको कहेंगे रूहानी दुनिया व स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से तुम राजयोग सीखते हो, राजाई स्थापन होती है। अच्छा, फिर और धर्मों में से इसका क्या ताल्लुक है? फिर प्रश्न है आज भी, फिर बाबा पूछ रहे हैं। तो एक धर्म स्थापना हो जाएगा, बाकी फिर बाकी के धर्मों से क्या ताल्लुक है इसका, इस पढ़ाई का क्या ताल्लुक है? कि और सभी धर्म विनाश को पाएंगे, क्योंकि तुम पावन बनते हो तो तुमको चाहिए नई दुनिया। इतने सब अनेक धर्म खत्म हो जाते हैं, एक ही धर्म रहेगा, उसको कहा जाता है विश्व में शांति का राज्य। अभी है पतित अशांति का राज्य, फिर होगा पावन शांति का राज्य। अशांति है क्योंकि पतित है सभी, पतित सब क्यों हो गए? क्योंकि अनेक मतें हो गई। अभी बच्चे जानते हैं कि ये रावण का राज्य है, अनेक धर्म है, अशांति अशांति है, पतित ही पतित है सब। तो अब तुम बच्चे जानते हो कि पांच विकारों को जरूर छोड़ना है, ये साथ में नहीं ले जाने हैं, साथ तो नहीं जाएंगे ये। आत्मा अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है ना, अभी बाप तुम बच्चों को पवित्र बनने की बात बताते हैं, है ना। खुद बाप जो एवर प्योर है वही आकर पवित्रता की बात समझाते हैं, और तो कोई धर्म स्थापक ये नहीं कहते हैं पवित्र बनो, पवित्रता का हथियाला बांधो। बाबा कहते हैं उस पावन दुनिया में फिर कोई भी दुख होता नहीं है। स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? स्पिरिचुअल फादर है, सभी आत्माओं का बाप है। स्पिरिचुअल फादर क्या पढ़ाएंगे? स्पिरिचुअल नॉलेज देंगे, और इसमें कोई भी किताब आदि की दरकार नहीं है, कोई किताब पढ़ के नहीं सुनाएंगे। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पावन बनना है। बाप को याद करते करते अंत मति सोगति हो जाएगी। तो यह है याद की यात्रा। यात्रा अक्षर अच्छा है, वह तो है जिस्मानी यात्राएं और यह है रूहानी यात्रा। उसमें तो पैदल जाना पड़ता है, हाथ पांव चलाते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, चलने की बात ही नहीं है, सिर्फ याद करना है। भले कहां भी घूमो फिरो, उठो बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। डिफिकल्ट बात नहीं है, सिर्फ याद करना है। यह तो रियलिटी है ना, है ना, अपने आत्मा है ये रियलिटी है ना। ये तो अभी तक तो झूठ में ही चल रहे थे, अपने को देह समझते हुए, आगे तो तुम उल्टे चल रहे थे। अपने को आत्मा के बदले शरीर समझना, इसको ही कहा जाता है उल्टा लटकना, इसी को कहेंगे नेगेटिविटी। कहते ना सबसे पहला नेगेटिविटी यही हो गई, जो हम अपने आप को दे समझ रहे हैं। अब अपने को आत्मा समझना ये है पॉजिटिविटी, सुलटा बुद्धि को सुलटा कर लो, तब तो सब कुछ सुलटा ही दिखेगा, अच्छा दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा। अल्लाह जब आते हैं तब आकर के पावन बनाते हैं। अल्लाह की पावन दुनिया है, रावण की पतित दुनिया है। देह अभिमान में सभी उल्टे हो गए हैं। अब एक ही बार देही अभिमानी बनना है तो तुम अल्लाह के बच्चे हो। अल्लाह हूं ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं अल्लाह हूं, बच्चे हैं।
उंगली से हमेशा ऊपर की तरफ इशारा करते हैं तो सिद्ध होता है कि अल्लाह वह है। वो भी नमाज पढ़ते तो ऊपर करते ना इशारा। तो यहाँ जरूर दूसरी चीज है, तो हम उस अल्लाह बाप का बच्चा हूँ, हम भाई भाई हूँ। अल्लाह हूँ कहने से भी उल्टा हो जाएगा फिर, है ना, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही खुदा हूँ, तो क्या हो गए, ये भी उल्टी बात हुई ना। तो कि बाबा ने कहा परंतु नहीं, बाप तो एक है, उनको याद करना है। अल्लाह जो एवर प्योर है, अल्लाह खुद पेट पढ़ाते हैं, थोड़ी सी बात में मनुष्य कितना मूंझते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं ना, अब कृष्ण को ऐसा पद किसने दिया, है ना, श्री कृष्ण कैसे ऐसे बने, शिव बाबा ने दिया। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला राजकुमार, यह बेहद का बाप इनको राजभाग्य देते हैं। बाप जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं उसमें श्री कृष्ण नंबर वन प्रिंस है। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बैठ बताते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग जिसको वैकुंठ विष्णुपुरी कहते हैं, वह पास्ट हो गया है, फिर फ्यूचर होगा, फिर वही होगा, चक्र फिरता रहता है ना। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है, यह धारण कर और फिर कराना है। हर एक को टीचर बनना है, ऐसे भी नहीं कि टीचर बनने से लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नहीं, टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे और जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। क्यों, स्मृति रहेगी ना, ना किसी को आप ज्ञान सुनाओगे तो स्मृति रहेगी, बाप भी याद आएगा और खुद की भी स्मृति रहेगी। बाप कहते हैं ट्रेन में आते हो तो भी बैज पर समझाओ कि बाप पति पावन लिबरेटर है, पावन बनाने वाला है। बहुतों को याद करना पड़ता है, जानवर हाथी घोड़े आदि कच्छ मच्छ को भी वो अवतार कह देते हैं, उनको भी पूजते रहते हैं। समझते हैं भगवान सर्वव्यापी अर्थात सब में है, सबको खिलाओ, फिर ऐसा बोलते हैं ना, सबको खिलाओ, सब में भगवान है, खिलाते हैं सबको, खिलाते भी है ना, दाना खिलाते हैं, कुछ खिलाते हैं। अच्छा, कण कण में भगवान कहते हैं, फिर उनको कैसे खिलाएंगे, कण कण को कैसे खिलाओगे। बिल्कुल ही समझ से जैसे कि बाहर है। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं थोड़े ये काम करेंगे, सत्युग में ऐसा बोलेंगे कोई, सत्युग में ना ये सब कुछ होगा। चीटियों को अन्न देंगे, फलाने को अन्न देंगे, फलाने को कुछ देंगे, ये अभी करते हैं ना, चिड़ियों को दाना खिलाओ, कबूतर को, चीटियों को, सोचते हैं कि भगवान हैं या भगवान के ही है ना सब, तो चलो खिलाओ। तो बाप समझाते हैं अभी तुम हो रिलीजो पॉलिटिकल, तुम जानते हो क्या कर रहे हो, धर्म की स्थापना भी कर रहे हो और राज्य की भी स्थापना कर रहे हो। हम धर्म स्थापन कर रहे हैं और राज्य स्थापन करने के लिए तो मिलिट्री रहती है, अब मिलिट्री होती है तो राज्य स्थापना होता है। तो बाबा ने कहा तुम भी तो मिलिट्री हो, परंतु तुम हो गुप्त, तुम्हारी है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब इन धर्मों से निकल अपने घर जाएंगे, आत्माएं तो चली जाएंगी, वह है आत्माओं के रहने का घर। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो, फिर सत्युग में आकर के राज्य करेंगे, और कोई धर्म तब नहीं होगा। गीत में है बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे ना सके,
सारी धरनी, सारा आसमान ये हमारा ही होता है। तो सारे विश्व के तुम मालिक बन जाते हो, यह भी अभी तुम समझते हो। नई दुनिया में ये सब बातें भूल जाएंगी। जब जाओगे वहाँ प्रैक्टिकल में तो भूल जाओगे। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। यही है स्पिरिचुअल नॉलेज जो आज बाबा बार बार बता रहे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम हर 5000 वर्ष के बाद राज्य लेते हैं, फिर गंवाते भी हैं। यह 84 का चक्र फिरता ही रहता है। तो पढ़ाई पढ़नी पड़े तभी तो जा सकेंगे ना। ये पढ़ाई नई दुनिया के लिए है, पढ़ेंगे तो जा पाएंगे। तो चले याद करें बाबा को। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने कहा कि पढ़ाई पढ़ेंगे तभी नई दुनिया में जा सकेंगे, और पढ़ेंगे नहीं तो नहीं जा सकेंगे वहाँ। वहाँ का तो लिमिटेड नंबर है, ऐसे नहीं बिगर पढ़े भी चले जाएंगे। तो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार वहाँ जाकर पद पाएंगे। इतने सब तो पढ़ेंगे नहीं, अगर सभी पढ़ें तो फिर दूसरे जन्म में राज्य भी पाएं। सारे इतने हैं वो सब पढ़ें, इतने करोड़ों जो हैं अभी। पढ़ने वालों की भी लिमिट है। सतयुग त्रेता में आने वाले ही पढ़ेंगे। तुम्हारी प्रजा बहुत बनती रहती है। देरी से आने वाले पाप तो भस्म कर ना सके। पाप आत्माएं होंगी तो फिर सजाएं खाकर बहुत थोड़ा पद पाएंगे, और बेइज्जती तो होगी सजा खाएंगे। तो जो अभी माया की बहुत इज्जत वाले हैं वह बेइज्जत बन जाएंगे। ये है ईश्वरीय इज्जत और वो है आसुरी इज्जत। ईश्वरीय अथवा दैवी इज्जत और आसुरी इज्जत में रात दिन का फर्क है। हम आसुरी इज्जत वाले थे, अभी फिर दैवी इज्जत वाले बनते हैं। आसुरी इज्जत से तो बिल्कुल बेघर बन जाते हो। ये है कांटों की दुनिया, तो बेइज्जती हुई ना, क्योंकि क्या किया, कांटे की दुनिया में तो बनाया ना। आसुरी इज्जत मिली तो उससे भी क्या किया, कुछ तो नहीं किया कि दुनिया ही को बदल दिया हो, फूलों की दुनिया बना दी, कांटे खत्म कर दिए, ऐसा तो नहीं किया। तो रावण ही फिर कितनी इज्जत वाले तुम बन जाते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा, बेहद का बाप तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंच बनाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ भी करना है। अब ये मेन बात हो गई पुरुषार्थ, बिगर पुरुषार्थ के होगा नहीं। सब कहते हैं हम अपनी इज्जत ऐसी बनावें, अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जावें। इनसे ऊंची इज्जत तो कोई की है नहीं। कथा भी नर से नारायण बनने की ही सुनते हैं। अमर कथा तीजरी की कथा यह एक ही है। यह कथा अभी ही तुम सुनते हो। तुम बच्चे विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। फिर पहला नंबर का जन्म होगा। पहले नंबर जन्म में तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। राम इज्जत वाला बनाते हैं, रावण बेइज्जतवान बना देते हैं। इस नॉलेज से तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को
पाते हो। आधा कल्प रावण का फिर नाम ही नहीं रहता है। इस नॉल ये बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आती हैं, सो भी नंबरवार। कल्प कल्प ऐसे ही तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझदार बनते हो। समझदार भी सब एक जैसे नहीं बनेंगे। नंबरवार माया तो गफलत कराती है ना, माया गफलत कराती तो फिर बेसमझ बन जाते हैं, फिर उल्टी चलन चलते हैं। बेहद के बाप को याद करना ही भूल जाते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, वह हमारा टीचर बना है, फिर भी एब्सेंट रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। दर दर धक्के खाने की आदत पड़ी हुई है अभी तक भी। पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं रहता है तो उनको फिर नौकरी में लगा देना होता है, है ना। दुनिया में भी क्या करेंगे, चलो इससे तो कुछ काम धंधा ही कर लो, पढ़ नहीं रहे हो ऐसे ही पैसे बर्बाद कर रहे हो माँ बाप के। कोई तो धोबी आदि का ही काम करते हैं, उसमें पढ़ाई की तो कोई दरकार ही नहीं है। नहीं नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा ही काम धंधा करेंगे ना। व्यापार में मनुष्य मल्टी मिलियनेयर बन जाते हैं, है ना। व्यापार में तो अपनी बुद्धि लगाते लगाते कमाई करते करते क्या क्या बन जाते हैं, क्या से क्या। नौकरी में इतना नहीं बनेंगे, उसमें तो फिक्स पगार मिलेगी। तो अभी तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही के लिए, इसलिए बाबा कहते हैं ना, ये बिजनेसमैन हो तुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, नौकरी नहीं कर रहे हो, कमाई कर रहे हो। बिजनेसमैन हो ना, तो बिजनेसमैन अपना जितना चाहे अपना तन मन धन समय लगाते लगाते अपने व्यापार को बढ़ा लेता है, और नौकरी जो करेगा वो तो फिर जितना तक है उसमें ही रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा, तो ये पढ़ाई क्या है, क्या बन जाएंगे इस पढ़ाई से, बादशाह, विश्व के बादशाह बनने तक की मार्जिन है, बन सकते हो। यहाँ कहते हैं ना कि हम भारतवासी हैं, पीछे फिर तुम कहेंगे विश्व के मालिक हैं। अभी तो विश्व के नहीं कहेंगे ना हम। वहां देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं है। बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी विकार का भूत नहीं होना चाहिए। विकार तो भूत है ना, भूतों को तो अभी भगा दो। ये भूत बहुत खराब हैं। कितना हालत खराब की ना, दुर्दशा ही कर दिया भूतों ने। कामी की हेल्थ बिगड़ती रहती है, ताकत कम हो जाती है। इस काम विकार ने तुम्हारी ताकत बिल्कुल खत्म कर दी है। काम और क्रोध, ये दो है ना जो एकदम शक्तिहीन बना देते हैं। बाकी तो और भी विकार हैं, लेकिन मुख्य तो ये दो विकार गाए जाते हैं। नतीजा ये हुआ जो तुम्हारी आयु भी कम होती गई है। भोगी बन पड़े हो, कामी भोगी रोगी सब बन जाते हैं। कामी बने तो भोगी हुए और रोगी बन गए। वहां तो विकार होता ही नहीं है, तो योगी होते हैं सदैव तंदुरुस्त। वहां है योगी, है ना, वहां सभी विकारों पर जीत पाए हुए हैं और सभी आत्माभिमानी हैं, तो वो है योगी, सदैव तंदुरुस्त हैं और आयु भी 150 वर्ष होती है, वहाँ काल खाता नहीं। योगी हैं इसलिए वहाँ अकाली मृत्यु नहीं होती, इसलिए कहेंगे काल पर भी जीत पाली है। जब तक 150 वर्ष नहीं होगा शरीर नहीं छूटेगा। अभी तो कोई बात ही नहीं। अभी तो कहेंगे अकाल, काल खाता रहता है, काल सामने खड़ा है। तो बाबा ने बताया, तो वहां काल नहीं खाता। इस पर एक कथा भी बताते हैं। कोई से पूछा गया, पहले सुख चाहिए या पहले दुख चाहिए, तो उनको कोई ने इशारा दिया, बोलो पहले सुख चाहिए।
क्योंकि सुख में चले जाएंगे तो वहां कोई काल आएगा ही नहीं, अंदर घुस ना सके ना काल। ये एक कथा बना दी है। बाप समझाते हैं, तुम सुखधाम में रहते हो तो वहां कोई काल होता नहीं है। रावण राज्य ही नहीं है, फिर जब विकारी बनते हैं तो काल आता है। कथाएं तो कितनी बना दी हैं, फिर काल ले गया, फिर ये हुआ। सावित्री की भी कथा बना दी है ना, काल ले गया था और फिर उसके पीछे पीछे जा करके वापस से उसको ले आई, तो कहेंगे काल के मुख से भी छुड़ा कर ले आई। अब बाबा ने कहा क्या क्या कथाएं बना दी हैं, ना तो काल देखने में आता है ना आत्मा दिखाई पड़ती है, तो इनको कहा जाता है दंत कथाएं, है ना। अब जो ले गया वो दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे पीछे गई वो क्या क्या बना दिए कहानियां। फिर उसके लिए एक व्रत भी बना दिया कि वो ये व्रत करो ना सावित्री के नाम का, तो फिर आपका पति की भी ऐसे ही लंबी उम्र होगी, पति को काल नहीं खाएगा। तो बाबा ने कहा ना क्या क्या कर दिया है, ये सारी क्या है दंत कथाएं। कनरस की बहुत कहानियां हैं, सुनने में तो अच्छा ही लगता है, अच्छा ऐसा भी था, इतनी शक्ति होती है। तो ये सब है केवल कनरस। अभी बाप समझाते हैं वहां अकाले मृत्यु कभी होता नहीं है, ये तो सत्यु की बात है, वहां तो कभी काल आएगा ही नहीं। ऐसे आयु बड़ी होती है और पवित्र रहते हैं। 16 कला, फिर कला कम होते होते एकदम 9 कला हो जाते। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, फिर ये बोलने लगते हैं, कहां थे सर्वगुण संपन्न और फिर एकदम बन गए निर्गुण। अब एक निर्गुण संस्था भी बच्चों की बना दी है, तो नाम ही निर्गुण संस्था रख दिया है। वो कहते हैं ना तो हमारे में कोई गुण नहीं है, हमको गुणवान बनाओ, सर्वगुण संपन्न बनाओ। अभी बाप कहते हैं पवित्र बनना है, मरना भी है ना सबको। इतने ढेर मनुष्य सत्युग में नहीं होते हैं, अभी तो कितने ढेर हैं। वहां तो बच्चा भी योग बल से होता है और यहां तो देखो कितने बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं बाप को याद करो, अटेंशन बाबा यही बात पर दिलाते रहते हैं। वह बाप ही पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाने वाला याद पड़ता है ना, तो जो पढ़ा रहा है वो हमारा ही बाप है, तो उसको याद करते रहो। तुम जानते हो शिव बाबा तो हमको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं वह भी तुमको मालूम है। तो बाप अथवा टीचर से योग लगाना है, नॉलेज बहुत ऊंची है। अभी तुम सबकी स्टूडेंट लाइफ है, सब पढ़ रहे हैं ना, स्टूडेंट हैं सभी। अब बाबा कहते हैं तो ऐसी यूनिवर्सिटी कभी देखी है, इतने बूढ़े बूढ़े भी हैं स्टूडेंट कह रहे हैं, जहां बच्चे बूढ़े जवान सब इकट्ठे पढ़ते हो, एक ही स्कूल एक ही पढ़ाने वाला टीचर हो और जिसमें ब्रह्मा स्वयं भी पढ़ता हो, हैं, जिसके मुख से सुनाया जा रहा है वो खुद भी पढ़ रहा है, तो वंडर है ना। शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं और ये ब्रह्मा भी तो सुनते हैं, तो ये भी क्या हुए स्टूडेंट, और ये भी अपने ऊपर मेहनत तो कर रहे थे। तो बच्चा चाहे बूढ़ा कोई भी पढ़ सकते हैं, ये पढ़ाई ऐसी है ना। तुम भी पढ़ते हो ना ये नॉलेज को, ये नॉलेज लेते हो, अभी पढ़ना शुरू कर दिया है। दिन प्रतिदिन टाइम तो कम होता चला आता है, तो कहते ना जो जितना लेट से एडमिशन लेगा तो उसको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़े, और जो जल्दी आया है पढ़ाई पर अटेंशन दे रहे हैं तो वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते भी आगे बढ़ जाते हैं, पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। तो देर से आएंगे तो बाबा ने कहा उनके लिए तो कम टाइम मिलेगा।
अभी तुम बेहद में चले गए हो। जानते हो ये 5000 वर्ष का चक्र कैसे पास हुआ? पहले एक धर्म था, अभी तो कितने ढेर धर्म हैं। अभी सावरेंटी नहीं कहेंगे, राज्य नहीं कहेंगे, इनको कहा जाता है प्रजा का प्रजा पर राज्य। पहले पहले बहुत पावरफुल धर्म था जो सारे विश्व के मालिक थे। अभी तो अधर्मी बन पड़े हैं, कोई धर्म नहीं है, सब में 5 विकार हैं। बेहद का बाप कहते हैं, बच्चों अब धैर्य धरो, धीरज धरो, बाकी थोड़ा समय बस तुम इस रावण राज्य में हो, बस थोड़ा समय और पढ़ रहो। कई बच्चे कहते ना, कब तक होगा बाबा, कब तक पढ़ते रहेंगे? तो बाबा धीरज देते हैं कि बस बच्चे अभी थोड़ा ही समय है इस रावण राज्य का अंत होने में, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो फिर सुख धाम में चले जाएंगे। कोई होता है ना एकदम किनारे आते आते एकदम इतना होपलेस हो गया, एकदम किनारे आकर फिर छोड़ देता है, तो क्या कहेंगे उसको, है ना? उसको तो कहेंगे एकदम पद्मापदम दुर्भाग्यशाली हो गया, एक कदम और बढ़ाता तो स्वर्ग में पहुंच जाता, लेकिन उसको लगा अरे अभी तो बहुत लंबा है, कितना चलेंगे, चलो वापस, फिर लंबा दूरी तय कर लेंगे, लेकिन एक कदम और धीरज से रुके रहते तो चढ़ जाते थे। तो ऐसा ही हो गया ना, इसलिए बाबा धीरज दे रहे हैं, अभी ऐसा नहीं सोचो अभी कब तक पढ़ते रहेंगे, बदलना तो है ही नहीं, दुनिया तो विनाश हो ही नहीं रही है, सत्युग तो आ ही नहीं रहे, तो बाबा धीरज दे रहे ना, बच्चे बस अब थोड़ा ही समय है, इतना तो किया ना, अब थोड़ा सा और धीरज धर के और चलो। तो बाबा ने कहा तो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो फिर सुख धाम में चले जाएंगे, यह तो है दुख धाम, तुम अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूलते जाओ बुद्धि से। आत्माओं का बाप डायरेक्शन देते हैं कि हे रूहानी बच्चों, रूहानी बच्चों ने इन ऑर्गन्स द्वारा सुना, बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने सुना, तो तुम आत्माएं जब सत्युग में सतो प्रधान थी तो तुम्हारा शरीर भी फर्स्ट क्लास सतो प्रधान था, तुम बड़े धनवान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या बन गए हो? रात दिन का फर्क हो गया ना, दिन में हम स्वर्ग में थे, रात में हम नरक में हैं। इसको कहा जाता है ब्रह्मा का सो ब्राह्मणों का दिन और ब्रह्मा का सो ब्राह्मणों की रात, तेरे सर जन्म धक्के खाते रहते हैं, अंधियारी रात है ना, भटकते रहते हैं, भगवान कोई को मिलता ही नहीं है। इसको कहा जाता है भूल भुलैया का खेल, कि भगवान को ढूंढ रहे हैं ना अभी तक लेकिन मिल ही नहीं रहे उन्हें। तो बाप तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, क्या करना है, भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है। कभी एब्सेंट नहीं होना है,
बाप समान टीचर भी जरूर बनना है। पढ़कर फिर पढ़ाना है। दूसरा नंबर है, सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन, नर से नारायण बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। कभी भूतों के वशीभूत हो इज्जत गंवानी नहीं है। वरदान है, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। इसका विस्तार है, सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उसी वृत्ति, उसी दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। इसलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। है ना, ये नहीं है तो है ही ऐसा, ये तो सुनते ही नहीं है इन्होंने, तो फलाने टाइम में भी हमने सुनाया तो ऐसा सा बोला था। तो ये सब बीती बातों को बुद्धि में रखकर फिर उसी दृष्टि वृत्ति से उनको देखना, उनसे बात करना, तो ये बाबा ने कहा ऐसा होगा तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए बीती बातों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। और स्लोगन है, जो स्वपरिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। जो स्वपरिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है ना, वही विजयी बनता है। तो दूसरे को बदलने से पहले खुद को ही बदलना है। ओम शांति।